डैड बहुत याद करते हैं तुम्हें, कह रहे थे तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये अकेला क्यों आया? अपनी बीवी के साथ नहीं आ सकता था? और अगर वो आ ही गया तो अंदर आने की क्या जरूरत थी, और तुम्हें उसके साथ वहां जाके बैठने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं अकेले नहीं बैठी थी, चाची मेरे साथ बैठी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अफनान रमशा के लिए फ़िक्रमंद होता है, और इसलिए वह रमशा की खैरियत मालूम करने के लिए रमशा के घर जाता है और कहता है डैड भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, एक दो दिन में वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। शानी का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? सब ठीक तो है? और इसी वक्त शानी घर आ जाएगा और अफनान और रमशा को बातें करता देख के इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और अफनान के जाने के बाद वो ये बात रमशा से भी कहेगा कि मुझे तुम्हारा अफनान के साथ अकेले बैठ के बातें करना अच्छा नहीं लगा, आइंदा ऐसा ना हो, अगर वो अपनी बीवी के साथ ना आए तो तुम्हें इसे घर के अंदर बुलाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ अलीज़े को जब मालूम होगा अफनान रमशा से मिलने के लिए घर गया था तो इसे शदीद गुस्सा आएगा और वो कहेगी कि आखिर रमशा में ऐसा क्या है कि वो तुम्हारे दिल से अभी तक उतरी नहीं, इसकी शादी हो गई है अब तो भूल जाओ इसे। ये सुन के अफनान भी गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हें क्या हो गया है, बात बेबात इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती हो, ये बात तुम्हारी जगह कोई और कहता तो मैं उसका मुँह तोड़ देता, शुक्र करो कि तुम यहाँ खड़ी हो। अफनान कैसे यकीन दिलाएगा अलीज़े को और शानी कैसे करेगा अपना मकसद पूरा? देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।